दोस्तों सही मायने में इसे कहते हैं कमबैक। दोस्तों पिछले हफ्ते शाओमी के प्रेसिडेंट ने ट्वीट करके बोला था कि रेडमी नोट 7 प्रो अगले हफ्ते लॉन्च करने वाले हैं और इसकी प्राइस रहने वाली करीब 21,000 रुपये। तो ऐसे में काफ़ी सारे यहाँ पे जो रेडमी फोन्स के फैंस हैं उनका दिल टूट गया और उन्हें लगा कि 21,000 काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस है और ऐसा ही मुझे भी लगता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का ध्यान जाने लगा सैमसंग गैलेक्सी M30 के ऊपर, जहाँ पे हमें पता था कि वो स्मार्टफोन करीब 15,000 में लॉन्च होगा और उसे 15,000 की प्राइस में ही लॉन्च किया गया है। लेकिन दोस्तों यहां पे Redmi ने Redmi Note 7 Pro को जिस स्पेसिफिकेशन प्राइस के साथ इंडिया में लॉन्च कर दिया आज, इसने सारा का सारा कंपटीशन ही यहां पे खत्म कर दिया है। तो दोस्तों आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Redmi Note 7 Pro की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, कब से आप इसे खरीद सकते हैं, किस प्राइस में इसे लॉन्च किया गया है और क्या इसे लेना सही रहेगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और स्वागत है आपका टेक मॉनिटर्स में। दोस्तों शुरुआत अगर हम करें Redmi Note 7 Pro के डिजाइन के साथ, तो यहां पे फ्रंट एंड बैक में आपको ग्लास बॉडी देखने के लिए मिलेगा, ग्रेडियंट कलर के साथ आता है, काफी ग्लॉसी फिनिश यहाँ पे दिया गया, तो ओवरऑल फोन को जो काफी ज्यादा प्रीमियम बनाता है। अगर आपको ग्रेडियंट कलर पसंद नहीं है तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का वेरिएंट में लॉन्च करने वाले, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आपको फ्रंट एंड बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये ड्यूरेबल जरूर है लेकिन अगर आपके हाथ से फोन गिरता है तो ये टूटेगा नहीं। इसके रेडमी यहाँ पे किसी भी तरह की कोई गारंटी देने वाला नहीं है, तो आपको थोड़ा केयरफुल यहाँ पे रहना पड़ेगा। दोस्तों अगर डिस्प्ले की बात करें तो सामने दिया गया 6.3 इंच का डिस्प्ले जो कि फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ आता है। यहाँ पे आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलने वाला है एक छोटे से नॉच के साथ। दोस्तों कैमरास की अगर बात करें जो कि इस स्मार्टफोन का सबसे बड़ा हाईलाइट होने वाला है, तो यहाँ पे आपको पीछे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा डुअल कैमरा जो कि आएगा सोनी सेंसर के साथ IMX586, जहाँ पे आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, जहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा 1/2 इंच का सीमोस सेंसर और यहाँ पे आपको मिलने वाला 0.8 माइक्रोन का पिक्सल साइज। तो पिक्चर क्वालिटी वीडियो क्वालिटी काफी जबरदस्त मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आप इससे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे और EIS का सपोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है। दूसरा कैमरा यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि एक डेप्थ सेंसर है। दोस्तों सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो सामने की तरफ दिया गया 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जहाँ पे आपको AI सीन डिटेक्शन, AI पोर्ट्रेट 2.0 और नाइट मोड जैसे फीचर्स देखने के लिए मिल जाएगा। तो सेल्फी कैमरा के मामले में यहाँ पे काफी अच्छा काम किया गया। दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये इस स्मार्टफोन का दूसरा सबसे बड़ा हाईलाइट है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर जिसे बनाया गया 11 नैनोमीटर फिनफेट टेक्नोलॉजी के बेस पर। दोस्तों अगर और डिटेल में बात करूं तो यहाँ पे आपको एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जहाँ पे टोटल 8 कोर दिए गए जिसमें से पहले के 2 कोर क्लॉक करेंगे 2 GHz पे जो कि क्रियो 460 गोल्ड कैटेगरी के प्रोसेसर है। तो ये काम आएंगे जब आप अपने फोन में हैवी गेमिंग करोगे। और यहाँ पे जो बाकी के 6 कोर है वो क्लॉक करेंगे 1.7 GHz पे जो क्रियो 460 सिल्वर कैटेगरी के कोर्स है। तो ये आपकी हेल्प करेगा डे टू डे टास्क जो आप करते हैं अपने फोन के साथ, तो वहां पे काफी ज्यादा ये फायदेमंद होने वाला है। तो यहाँ पे गेमिंग का काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है और यहाँ पे GPU भी काफी पावरफुल दिया गया जो है एड्रीनो 612। दोस्तों नोट 7 प्रो आने वाला है आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 9 के साथ, जिसके ऊपर आपको MIUI 10 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे भी इन्होंने काफी सारे एनहांसमेंट किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे बैटरी दी गई है 4000 mAh की जो क्विक चार्ज 4 को सपोर्ट करता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूं, Redmi 6 Pro में आपको क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे उसे भी अपग्रेड किया गया और यहाँ पे आपको क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे आपको आउट ऑफ बॉक्स 10 वॉट का चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे माइक्रो USB C टाइप दिया गया डेटा ट्रांसफर या फिर मोबाइल चार्जिंग के लिए। दोस्तों Redmi Note 7 Pro को लॉन्च किया गया 2 वेरिएंट में, जहाँ पे पहले वेरिएंट में आपको मिलेगा 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज और इसकी प्राइस रखी गई है करीब 14,000 रुपये, और दूसरे वेरिएंट में आपको मिलेगा 6GB की रैम और 128GB की स्टोरेज एंड टू बी सरप्राइज और इसकी प्राइस रखी गई है 17,000 रुपये। तो ओवरऑल अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन देखें और जो कुछ स्मार्टफोन आपको ऑफर करता है उसके हिसाब से काफी किलर प्राइस के साथ इसे लॉन्च किया गया है और मुझे नहीं लगता दोस्तों 20,000 के अंदर आपको कोई भी ऐसा स्मार्टफोन मिलने वाला है जो इसके साथ फिलहाल कंपीट कर सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है Redmi Note 7 Pro में। दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा सवाल है, तो कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों आप यहाँ पे खरीदना चाहोगे Redmi Note 7 Pro को या फिर अभी भी आपको लगता है कि सैमसंग गैलेक्सी M30, वो जो सैमसंग का जो इतना बड़ा नाम है उसके हिसाब से आप सैमसंग M30 को यहाँ पे लेना चाहोगे। तो आज के इस वीडियो में इतना है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव है तो उसका कमेंट करिए, हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।